हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। गाइज, आप सभी के लिए हमने रिविजन सीरीज़ इस यूट्यूब चैनल पे शुरू की है। दैट इज़ नॉन अदर देन सीए फाइनल अनअकैडमी लाइव। हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स इस यूट्यूब पे ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए हैं, जैसे कि आई जस्ट नेम देम। या सो वी हैव ऑलरेडी टेकन द रिविजन वीडियोज़ ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अ क्रिस्प रिविजन, a crisp revision of standards on auditing, maximum 4 hours 43 minutes। हम लोगों ने company audit, audit committee, company audit along accounts, dividend, कारो के question and answers, कारो 2020 the amended one, इसके Q&A। Also we have completed audit committee, corporate governance। Also we have done the memory technique of fiscal audit, question answers of fiscal audit। यहाँ पे हमारे इतना सारा CFS हो चुका है, liabilities of auditor हो चुका है, इसके question answers हो चुके हैं। Now this is a crisp revision which we are taking up on the channel, and ये हमारा revision का सिलसिला चालू ही रहेगा guys, आप सभी लोगों के लिए। बट इन केस आपको लगता है कि यू आर नॉट स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर मे 22 एग्जामिनेशन, देयर ऑन प्लस प्लेटफॉर्म वी हैव लॉन्च द प्लस बैचेस, फास्ट ट्रैक एज वेल एज रेगुलर, फॉर मे एज वेल एज नवंबर 22 एग्जामिनेशंस। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन। वाई? आई टेल यू, रिकॉर्डेड सेशन भी हम आपको देने वाले हैं इन द मोड ऑफ पेन ड्राइव। सो जो बच्चे हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं, उनको लाइव तो देखने मिलेगा ही ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल ऑल्सो हैव दैट एडिशनल बेनिफिट टू टेक अप दैट पेन ड्राइव सेशन, जहाँ पे हम आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स देने वाले हैं ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1। एंड प्राइजेस, आई बेट इन द मार्केट नो वेयर यू विल गेट दिस क्वालिटी एट दिस रेट्स। सो हियर एट अनअकैडमी वी आर ऑफरिंग यू द प्लस बैचेस and the iconic batches. Iconic batches comes with 2 very beautiful advantages. First, the physical copy of the books, and the second, the pen drive. Pen drive live तो देखने मिल रहा है, मतलब अनअकैडमी is all about live. Live तो देखने मिल ही रहा है, on top of that you can also see the recorded studio sessions. ठीक है, so grab this opportunity guys. What are you waiting for? Grab this opportunity. May 22 को ख़त्म करके ही रहना है। And in case you are taking up the subscription, you can very well use my code AuditSar in order to get the maximum possible discount. Maximum possible discount के लिए ये code use करना है. Proudly use the code AuditSar, and this is a universal code guys. You can use this for any level, for any topic, for any group or combos. And this is the whole Mahabali team for CA final level. I'll be taking up audit. एंड या रेगुलर क्लास जो है गाइज, रेगुलर बैच जो है वो मेरा ऑडिट चल रहा है फ्रॉम 10 to 12, एंड फास्ट ट्रैक बैच गाइज मेरा चल रहा है इन वीकेंड्स। सो ये फुल डे वीकेंड सेशन चल रहे हैं फॉर फास्ट ट्रैक, एंड रेगुलर सेशन फॉर मे 22 आर जस्ट अबाउट टू गेट ओवर, over, but recorded session n number of times you can view it on the platform. So these are the benefit, guys. Do evaluate, and yes, take up the subscription for group 1, group 2 and combos. Okay, so that was all about the formal announcement, guys. Take the maximum benefit of the free revision videos, of the free MCQ sessions, and if at all you want to polish your preparation a bit more, you can take up our subscriptions as well. Now you can start with your practice of Q&A for consolidated financial स्टेटमेंट्स। आई विल सी यू ऑल फर्दर। चलिए गाइज, आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑफ कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं गाइज, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ करके रखी थी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी स्टडीड इन दिस चैप्टर वॉज ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग फॉर CFS कैसे किया जाए। फिर सेकेंड थिंग विच वी स्टडीड वॉज ऑडिटिंग कैसे किया जाए। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर देखा, कई सारे प्रोसीजरल रिस्पेक्टिव देखे, हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखा कि कुछ परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ करंट एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये सब करने के बाद तीसरा पार्ट लास्टली हम लोगों ने रिपोर्टिंग का देखा, राइट? सो ये होने के बाद अब नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स, दैट इस चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स कैसे पूछे जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन राइट हियर front of your screen says H Limited is an investment company, okay, preparing financial statements in accordance with INDAS. The company obtained funds from various investors and commits its performance in fair value return. मतलब ये investment company है all in all. Cool. During the year under audit, it has observed that the company has invested 25% in S1, 50% in S2, 60% in S3 Limited, okay, of the respective share capital. When checking the schedule, the investment schedule of the company, an issue cropped in as to whether there would arise any need to consolidate financial statements. अब देखो, this consolidation is as per what? Is it as per INDAS? क्या पूछ रहा है? In accordance with Section 129. So remember, मैंने जब ये accounting आपको पढ़ाई थी, I made you all understand exceptions are with regards to three things. पहला, INDAS के regards में exception investment company, AS के regards में exception जहाँ पे हम लोग बोलते हैं temporary holding का intention या फिर long term fund restriction, और तीसरी चीज़ 129 के हिसाब से एक्सेप्शन तभी मिलता है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है एंड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी CFS फाइल कर रहा है. फ्रैंकली स्पीकिंग 129 में इन्वेस्टमेंट कंपनी को कोई भी, कहाँ गई इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाँ, इन्वेस्टमेंट कंपनी को कोई भी एग्जम्पशन नहीं है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेक्शन नंबर 129 के हिसाब से हमें CFS बनाने हैं? आंसर इज़ येस, वेरी वेल बनाने. सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अगर ये कहने की कोशिश करें या एज पर 129 हम लोगों को CFS बनाने ही होंगे एंड उसको प्रेजेंट करने होंगे एज पर शेड्यूल 3. बट हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक्सेप्शन है वो सिर्फ 110 के हिसाब से, ठीक है. सो यहाँ पे कंक्लूडिंग वी कैन स्टेट दैट कि अगर ऐसा कोई चीज़ें हुआ, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सिर्फ उन्हीं को एग्जम्पशन है. सो इन दिस गिवन केस आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है. एंड कंसोलिडेशन किन चीज़ का होगा, किन कंपनीज का होगा? S2 एंड S3 का, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. R Limited owns 51% of the voting power in S Limited. It, however, holds and discloses all the shares in stock in trade. The shares are exclusively held with a view for the subsequent disposal in the near future. मतलब intention to hold the control नहीं है. This was acting as an exemption for which kind of a framework? AS. ठीक है, okay. R Limited represents that while preparation of consolidated financial statements, S Limited can be excluded. एज अ स्टैचुटरी ऑडिटर हाउ विल यू डील विद दिस? तो हम लोग उनको दो चीज़ें लिख करके आएंगे. सर देखिए, AS 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन ना करें तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे द क्राइटेरिया फॉर कंसोलिडेशन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन टू होल्ड द कंट्रोल. पॉइंट नंबर 2, अगर आप INDAS फॉलो कर रहे हो, देर इज़ नो एग्जम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल. विथ रिस्पेक्ट टू INDAS आपको कंसोलिडेशन करना अनिवार्य होगा. सो AS 21 के हिसाब से हम लोगों ने इंटेंशन एंड लॉन्ग टर्म फंड रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की, तो वो लोग AS 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें. बट INDAS 110 के हिसाब से देर इज़ नो सच एग्जम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल. कंसोलिडेशन करना होगा. ऑल्सो गाइज, एज पर 129 आपको कंसोलिडेशन करना होगा फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, पेरेंट कंपनी अक्वायर्ड 51% ऑफ द शेयर्स इन चाइल्ड लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 31st of March 2016. During the financial year next year, that is 16-17, 20% of the shares of Child Limited were sold. मतलब 2016 ईयर एंडेड उनके पास 51% ऑफ द शेयर्स थे. नेक्स्ट ईयर्स उन्होंने 20% बेच दिए, मतलब अभी वो 30% के क्राइटेरिया में आ गए. क्वेश्चन ये उठता है, क्या पेरेंट को कंसोलिडेशन करना है? सेम आंसर लिखेंगे गाइज. हम लोग बोलेंगे भाई साहब, पेरेंट लिमिटेड आप अगर AS फॉलो कर रहे हो तो ये टेम्पररी कंट्रोल है, अगर आप AS फॉलो कर रहे हो तो ये टेम्पररी कंट्रोल है, एंड अगर आप INDAS फॉलो कर रहे हो तो टेम्पररी कंट्रोल को कोई एग्जम्पशन नहीं है. यहाँ पे CFS बनाना नहीं है, बट यहाँ पे CFS बनाना अनिवार्य है, ठीक है. सेम पॉइंट सब्सिक्वेंट डिस्पोजल का भी सेम आंसर लिख करके आएंगे. 21, 13 टेम्पररी होल्डिंग, INDAS 10 और 129. Cool. Ciao. And हाँ, हमेशा ध्यान रखें गाइज, वेन एवर आई मेक यू ऑल सी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप इतना ध्यान रखें कि क्वेश्चन के प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के बाद हमेशा द लास्ट लाइन या फिर लास्ट पैराग्राफ शुड बी कंक्लूजन. अगर क्वेश्चन का कंक्लूजन क्लियर नहीं है, एग्जामिनर आपका तुरंत 1 मार्क डिडक्ट कर सकता है फॉर नॉट राइटिंग अप्रोप्रिएट कंक्लूजन. ये सब प्रवचन करके आ गए, बट करना क्या है, पेरेंट को क्या करना चाहिए, एक्स को क्या करना चाहिए, ये ओपिनियन चाहिए उनको आपसे. ठीक है, सो मेक श्योर, मैं हमेशा क्लास में बच्चों को कहती हूँ कि आपका प्रोविजन लिखना डब्बा भरना होता है. ठीक है, ये डब्बा है, ये डब्बा में आप प्रोविजन भरते हो कि एज पर सो एंड सो, एज पर सो एंड सो, बट इस डब्बे को ढक्कन से बंद करना ज़रूरी है. ये ढक्कन है आपका कंक्लूजन. अगर कंक्लूजन नहीं है तो ये डब्बा कोई काम का नहीं. ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखें डायलॉग, डब्बे को बंद करना ना भूले विथ योर कंक्लूजन. ठीक है, चल नेक्स्ट. वेदर द प्रिपरेशन ऑफ CFS इज मैंडेटरी और नॉट, इज इट मैंडेटरी, इफ येस प्लीज इलेबोरेट द रिक्वायरमेंट्स अंडर स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है, लॉ. लॉ का क्या मतलब होता है, सेक्शन. कौन सा सेक्शन, 129. ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129, हम लोग 129 के हिसाब से प्रोविजंस लिखेंगे कि कहाँ पे एक्सेप्शन मिलना चाहिए, कहाँ पे एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए. वेदर कंपनी हैज़ 1 और मोर सब्सिडरी एसोसिएट JVs इन एडिशन टू SF आपको बनाना होगा CFS इन द फॉलोइंग मैनर. फर्दर सेक्शन नंबर 129 स्टेट्स दैट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये आपको होल्डिंग कंपनी को बनाने हैं और ऑल्सो ऑडिट करवाने हैं. अप्रूव्ड बाय BOD भी होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलियंट फीचर. सेलियंट फीचर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फॉर्म, बड़े अक्षरों से वहाँ पे हाईलाइट करके रखें, इन फॉर्म AOC-1 ये फाइल करना होता है कंपनी को. AOC-1 क्या होता है, AOC-1 जोर जोर से बोलो, AOC-1 तो ये आपको फाइल करना होता है. एंड कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं उन्होंने कि 129 के हिसाब से 3 एक्सेप्शन कंडीशन है, अगर वो फॉलो हो गया तो ठीक है, आपको CFS नहीं बनाना. नेक्स्ट, प्लीज़ इलेबोरेट द सिचुएशन वेर इन द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ CFS डज नॉट एक्सेस मे नॉट अप्लाई एज पर लॉ एज पर स्टैट्यूट. वो 3 कंडीशन लिखेंगे, होली ओन्ड और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी, नॉट लिस्टेड, अल्टीमेट इंटरमीडियरी की जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इज फाइलिंग CFS. नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी. क्या है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी. तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी में क्वेश्चन ये आता है, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFS. यू रिमेंबर सबसे पहला पॉइंट, पेरेंट कंपनी का क्या काम होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के AFRF को जानो, उसके गैप कन्वर्जन करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हार्मोनाइज करो, सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी रिपोर्टिंग, इसके डिस्क्लोजर्स करो. तो ये 4 से 5 पॉइंट बेसिकली G तक है, A से लेकर के G तक 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. सो आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, वेयर अप्रोप्रिएट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू कंपोनेंट्स, मेक एडजस्टमेंट्स, कंपोनेंट एडजस्टमेंट, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्जन. ये सारा काम किसका है, पेरेंट कंपनी का. अब और एक चीज़ गाइस, अगर कंपनी जैसे कि ये है होल्डिंग कंपनी, ये है उसकी सब्सिडरी S Limited. ठीक है, S Limited जो है वो डेप्रिसिएशन का अलग मेथड यूज़ कर रहा है. क्या यूज़ कर रहा है, डेप्रीसिएशन का अलग मेथड यूज़ कर रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये डेप्रीसिएशन का अलग मेथड यूज़ कर रहा है, हियर यू गो, डेप्रीसिएशन का अलग मेथड यूज़ करना है, तो जब भी H Limited अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करेगी तभी इसका इफेक्ट देगी. डेप्रीसिएशन की पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन का जो मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा हार्मोनाइज करने के लिए, हाँ या नहीं, सोचो. आंसर इज नहीं गाइस. डेप्रिसिएशन का जो मेथड यूज़ होता है ना, इट इज़ नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज़ एन एस्टीमेट. बेसिकली मैं एस्टीमेट करती हूँ, से फॉर एग्जांपल कोई एक मशीनरी है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में XYZ मशीनरी है, ये मशीनरी कितने साल तक चलने वाली है, ये मेरा एस्टीमेट है. दिस इज़ नॉट अ पॉलिसी. दिस इज़ माई एस्टीमेट. मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को कहूँगी कि बेटा ये मिनिमम 5 साल तो चलाना है आपको, ठीक है. इसको अभी थोड़ा हमारे अमित भाई साहब, आप जानते नहीं हो इसे, ये अमित भाई साहब उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे यूज़ करते हैं कि जो चीज़ें 5 साल तक चलनी होती है वो आधे साल में बेचारी मर मुरा जाती है. अब वो मेरा एस्टिमेशन है कि मशीनरी कितने साल तक चलनी चाहिए. तो डिपेंड्स अपॉन माय एस्टिमेशन कि कितने साल ये मशीनरी चलेगी, उतने साल में मैं उसको डेप्रिशिएट करूँगी, बराबर. तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिसी बट दिस इज़ एस्टिमेशन. सो यहाँ पे हार्मोनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. एस्टिमेशन एकदम क्लियर है. सुपर हिट चौको लागे गजब. चलो आ जाओ. Responsibility for the parent company for the preparation, same point, identifying components. इसको मैंने expected exam question mark करवाया है guys. ये study mat में आया हुआ है, प्लस इसको RTP MTP में देखने मिला है. वेरी हाई लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी किताब में, मतलब आपके मे 22 में देखने मिल जाए. पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या कहता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तभी हमारा सबसे पहला क्या काम रहता है? सो यू रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि CFS इज शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर एज पर AFRF. इंक्वायरीज करना, वो इंक्वायरीज वाले मैटर याद आ रहा है, A से लेकर के F तक 143(3) के हिसाब से रिपोर्टिंग करना, एज वेल एज 143(3) में देर आर एडिशनल रिपोर्टिंग ऑल्सो. सो एडिशनल रिपोर्टिंग करना और एंड टू वैलिडेट द रिक्वायरमेंट फॉर CFS. अगर हमको लगता है कि CFS आपको बनाने हैं तो बनाने हैं, वैलिडेट करो वो रिक्वायरमेंट्स को कि येस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS. नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग कंसिडरेशंस. ये क्वेश्चन क्या है समझो. A Limited होल्ड्स ओनरशिप ऑफ 10% ऑफ वोटिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of B Limited. While planning the statutory audit of A Limited, what factors would be considered by you as the statutory auditor of A Limited for the audit of consolidated financial statements prepared under IND AS? बोलता है as an auditor what are the consideration? You remember हम लोगों ने auditing considerations के नाम पे CFS के अंदर पूरा एक concept पढ़ा था. What are the auditing considerations? So what are the points which are required to be considered? जब भी आप ऑडिटिंग कंसिडरेशन के बारे में बात करते हो या एज एन इनपुट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कितना ध्यान रखना है. यू नीड टू टेक केयर कि आपको कौन से अनदर ऑडिटर के काम पे डिपेंडेंट रहना है, कंपोनेंट का कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है. तो दीज आर द ऑडिटिंग कंसिडरेशंस. सो ये आपको जानना स्ट्रेट पर. स्टार्टिंग में इतना ध्यान रखो, स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट को, केस को समझाना है कि इन द गिवन केस किसने कितना % ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है. देन यू टेक आउट योर प्रोविजन्स विथ रिगार्ड्स टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को चेक करना, क्योंकि 10% है ना. सो अगेन दिस विल बी फॉलिंग अंडर रिलेटेड पार्टी क्राइटेरिया. तो 550 को अप्लाई करना, आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे आपको कंसल्टेशन करना है एज पर INDAS Schedule 3, सो ऑन एंड सो. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन. ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जनवरी 2021 में देखने मिला था. क्या चल रहा है समझो ज़रा. JRS Limited holds majority ownership of R Limited and K Limited. Okay. S Limited is an intermediate subsidiary of JRS Limited in Surat. JRS Limited presents consolidated financial statements for the audit purposes of MMT and company. Sorry, purposes to MMT and company. एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर MMT कौन है? एक मिनट रुको. JRS होल्डिंग कंपनी, इसने शेयर्स ओन कहाँ किए हैं? R और K में. S लिमिटेड कौन है? इंटरमीडिएट सब्सिडरी कंपनी है, इसमें मेजॉरिटी है और ये इंटरमीडिएट सब्सिडरी कंपनी है. और एक है S. इनका ऑडिटर है एमएमटी एंड कंपनी, ठीक है, एमएमटी एंड कंपनी। एंड उसने क्या किया, ऑब्टेनिंग अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट ऑल द कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस एनी कंपोनेंट्स हैज मेट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। बोलता है कि सारे के सारे कंपोनेंट कंसोलिडेशन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अनलेस अगर आप कंसोलिडेशन के क्राइटेरिया से बाहर हो तो फिर कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। सब प्रवचन है, सब प्रवचन। मेन क्वेश्चन क्या है ये, एक्सप्लेन टू रीजंस विच आर कंसिडर्ड बाय एमएमटी फॉर एक्सक्लूजन ऑफ कंपोनेंट्स। कौन से रीजन होंगे तो हम लोग बताएंगे। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो दो, कौन से, इंटेंशन दैट इज टेम्पररी होल्डिंग, दूसरा सीवियर लॉन्ग टर्म फंड रेस्ट्रिक्शन। अगर आप इंड एएस यूज़ कर रहे हो तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, और एक्सेप्शन फॉर 129। तो उन्होंने दो ही क्राइटेरिया पूछे, तो इनमें से आप क्राइटेरिया बता दोगे। तो इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस के हिसाब से और 129 के हिसाब से, तो उन्होंने दो ही क्राइटेरिया पूछे थे, तो आप एएस और इंड एएस के हिसाब से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, CA Vimal is the auditor of Excellent Limited, a parent company which presents consolidated financial statements. The management of Excellent Limited has provided the list of the components included in CFS. As an auditor of CFS, CA Vimal has to verify that the components have been included in CFS. हुआ क्या है, विमल भाई साहब है वो CFS को ऑडिट कर रहे हैं फॉर Excellent Limited। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया, आँख बंद करके भरोसा कर लूँ क्या? यू नीड टू वेरीफाई कि जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया है, वेदर दैट इज़ कंप्लीट एंड एक्यूरेट। कैसा पता करेंगे बच्चों वेदर द इन्फॉर्मेशन इज़ कंप्लीट एंड एक्यूरेट और नॉट? हम लोग हमारे वर्किंग पेपर्स देखेंगे, हम लोग मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, पिछले साल का रिटर्न्स चेक करेंगे, तो ये सारा चीज़। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सी ए विमल को क्या करना चाहिए? पहला, खुद के वर्किंग पेपर्स प्रीवियस ईयर के, पेरेंट कंपनी कैसा आइडेंटिफाई करती है कंपोनेंट्स, उसको इंक्वायरीज कर लो मैनेजमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट जो पेरेंट कंपनी ने किए है या फिर कंपोनेंट से किए है, आगे आगे हम लोग कहते हैं चेन होल्डिंग भी हो सकता है। सो इन्वेस्टमेंट, रिव्यू जॉइंट अरेंजमेंट्स, रिव्यू अदर अरेंजमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एंड स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, जैसे कि रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 189, 186, 190, ठीक है। Identify whether any changes are there, whether any changes are made in the shareholders padding during the reporting period. Everyone understands this? Pakka? Short. So that was question number 11. चलिए अब आगे बढ़ते हैं with question number 12. While doing the audit of consolidated financial statements, which current period consolidation adjustments are to be taken into accounts? मतलब क्या है यहाँ पे, adjustments के बारे में पूछा है guys। The last very part of the chapter जहाँ पे हम लोगों ने adjustments देखा था, permanent adjustments and current adjustments। As I told you, current adjustments कुछ ऐसे adjustments होते हैं जो उसी साल के लिए होते हैं, जैसे कि intra transactions होना, asset बेचना, stock बेचना, profit को write off करना, profitability अगर इंट्रोड्यूस है तो उसको कैंसिल करना, मैनेजरल फीस वगैरह नॉक ऑफ करना, डेफर्ड टैक्स वगैरह, बिल्स पेएबल, बिल्स एक्सचेंज, अगर इंटरडेट है तो चेंज करना, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है तो उसको नॉक ऑफ कर देना। तो ये सारा चीज़ करंट एडजस्टमेंट्स में आता है। सो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड, रिसीव्ड मैनेजमेंट फीस, अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स इन दू शेयर्स एक्वायर्ड, ट्रांसफर्स फ्रॉम द सब्सिडरीज और ट्रांसफर टू द सब्सिडरीज, डेफर्ड टैक्स, अनरियलाइज प्रॉफिट उसको एलिमिनेट करना, इंटरग्रुप इनडेटेडनेस, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडजस्टमेंट्स टू द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस अगर कुछ है तो। सो ये सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं तुम्हारे करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स में। तो डेफर्ड टैक्स, नॉन कंट्रोलिंग का एमआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस करना, गैप कन्वर्जन करना, ये सारा यस अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है आपका करंट के बाद परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सो व्हाट आर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स में आता है दो चीज़ें, सबसे पहला गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दूसरा कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो इट इज़ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, एंड दूसरा है अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनसीआई। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो यू नीड टू वेरीफाई क्या, सबसे पहला डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, स्टेप अप ट्रांजैक्शंस हो सकता है, तीसरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. सो ये सारा चीज़ आपको देखना है. सो हाउ द कैलकुलेशंस आर मेड, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कैसा है, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, हाउ दैट प्री एक्विजिशन अर्न लाइक नो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. सो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना. ऑल्सो वेरीफाई द परमानेंट एडजस्टमेंट्स, द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या करके रखा था, स्टेप अप ट्रांजैक्शंस, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस चेक करना. नेक्स्ट रिपोर्टिंग. गाइज नाउ यू रियलाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक वो 5 सिनेरियो जो हम लोगों ने पढ़ करके रखे थे कि ऑडिटर सेम है, ऑडिटर डिफरेंट है, सब्सिडरी का ऑडिटर है ही नहीं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है एंड डिफरेंट ऑडिटिंग पॉलिसीज़ है, मतलब डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है. तो ऐसे 5 क्राइटेरिया है. तो वो लोग वही कह रहे हैं, एच कंपनी लिमिटेड is a holding company for 2 subsidiaries RS, okay, H Limited adopts a straight line method for depreciation for its asset, whereas ये देखो आ गई हमारी बात. यू रिमेंबर मैंने अभी अभी डेप्रिसिएशन के बारे में बात की, अमित का एग्जाम्पल लिया था. सो बोलता है कोई एक सब्सिडरी है, सॉरी H Limited जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, S Limited जो है वो WDV फॉलो कर रहा है, R Limited जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो तो कर रहा है बट इट इज़ नॉट गिविंग द इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट. तो देखो मेथड चेंज होना दिक्कत वाली बात नहीं, बट आर लिमिटेड में दिक्कत है जहाँ पे वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है. हम लोगों ने पहले भी INDAS 16 में ये पढ़ करके रखा था, कंपोनेंट डिप्रिसिएशन होना ज़रूरी है, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई वैल्यू असेट्स. सो वाइल कंसोलिडेटिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर लिमिटेड, एस लिमिटेड विथ एच लिमिटेड, determine the possible issues in order to ensure the compliances for the above fact. तो हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी में आता है हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्शन. वेन इट कम्स टू द करंट प्रस्पेक्टिव केस, एच लिमिटेड के केस में डेप्रिसिएशन इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, सो देर इज नो नीड टू चेंज. भले एस स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है या WDV फॉलो कर रहा है या जो भी फॉलो कर रहा है, इट्स ओके. बट हाँ, एक मेजर मुद्दा है इस केस में सिर्फ आर को लेकर के. क्या है वो चीज़? वो चीज़ है जहाँ पे आर लिमिटेड INDAS को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर AS 10 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको इसको चेंज करना होगा. थस आर लिमिटेड इज नॉट इन कंप्लायंसेस विद INDAS 16 और AS 10 एज द केस मे बी. बाकी सारे केस में कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर डिफरेंट मेथड बोलते हैं, कंप्यूटेशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द कंजम्पशन. हम लोगों को गैप कन्वर्जन करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कन्वर्ट करनी है, एंड एज पर INDAS 8 डेप्रिसिएशन का मेथड इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी. प्लीज हाईलाइट दिस. इट मे बी नोटेड दैट द चेंज इन डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेट बट नॉट पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ नवाब लिमिटेड, वावा, अ लिस्टेड कंपनी विच इज़ अ मेन सप्लायर टू द UK बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मार्केट विद अ टर्नओवर ऑफ ₹2.2 बिलियन. द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 11 बिजनेस यूनिट्स एंड हैज़ नियरली 180 ब्रांचेस अक्रॉस कंट्रीज. एज एन ऑडिटर हाउ विल यू ड्राफ्ट द रिपोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस. सेम 5 पॉइंट्स लिख करके रखें. पेरेंट कंपनी का ऑडिटर ऑडिट्स ऑल कंपोनेंट, इज नॉट द ऑडिटर, कंपोनेंट्स आर नॉट ऑडिटेड, या फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है, कंपोनेंट्स आर नॉट ऑडिटेड. 5 चीज़ें सेम टू सेम जो हम लोगों ने एंड में पढ़ करके रखी. गाइस कौन सी वाली? या सो दिस मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट भी बनाया था, रिमेंबर? यस. Make sure when you are solving the question you already have watched the theory वाला. The practice करने से पहले the learning lesson आपने पढ़ रखा है ना? So ये reporting responsibility रहेगी. So these are learning responsibility. And हाँ guys, मैं आपको और एक question बताती हूँ. ये देखो यहाँ पे exactly same question है but यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पूछे. तो मैंने आपको last time भी कहा था पूरे 5 के 5 आपको पूछे नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, होलसेल क्वेश्चन. इस 5 में से कोई 2, कोई एक आपको रिटेल क्वेश्चन के नाम पे पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन वेरी अप्रोप्रिएटली कि कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको रिपोर्ट देने के लिए कह रहे हैं ये लोग। यहाँ पे पूछ रहे हैं डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ऑडिटिंग फ्रेमवर्क, लास्ट के दो, ठीक है, ओके। हम लोगों ने कहा था विच एक्चुअली इज इन, हाँ, विच आर कंसिस्टेंट विद इंडियन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ऑलमोस्ट सेम एज पेरेंट एंड चाइल्ड लिमिटेड। वहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एम लिमिटेड अक्वायर्स 51% ऑफ शेयर्स ऑफ एस, sold 25% of the shares during the financial year. M Limited did not prepare CFS on the plea that control was temporary. मतलब उन्होंने बहुत ऐसा plea किया कि नहीं माफ़ कर दिया जाए जनाब सरकार, कंट्रोल बहुत ही टेम्परेरी था। डू यू अग्री विद द व्यू ऑफ एम लिमिटेड? जो एम लिमिटेड बोल रहा है आपको सही लग रहा है? डिसाइड अज्यूमिंग दैट एम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर इंडिया। एब्सोल्युटली, सिंस बिगनिंग हम लोग एक ही चीज़ गाते आ रहे हैं कि जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है वैसे ही INDAS 110 के तहत कंसोलिडेशन करना अनिवार्य है। टेम्पररी होल्डिंग जैसा कोई बहाने आप नहीं दे सकते। सो येस, यू हैव टू प्रिपेयर CFS। नेक्स्ट आता है MB इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज़ अ कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 crore। It has subsidiary investors fund management limited. Major business of MB investment limited is to pool funds. Investment company तो यही करेगी, is to pool funds from the investors on the collective basis and ये funds को वो ये funds को वो लोग दूसरी company में invest करते हैं, ठीक। While auditing the books of accounts of MB investment company, X observed that the whole amount of 10 crore pooled has been invested in the shares and the debentures of various companies, and profit earned is due to appreciation of the prices and the capital appreciation basically. Now Mr. X has an issue while auditing the CFS, while auditing the financial statement, not CFS, of MB Limited, whether CFS is required under 129. ये सेम क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर करके आए, अगर आपको याद है हम लोगों ने बोला था कि एक्सेप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज फॉर 110। 129 के हिसाब से, स्टैट्यूट के हिसाब से तो आपको कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा। गिव योर ओपिनियन, येस करना ही पड़ेगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। 129 में एक्सेप्शन कब आएगा? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, होली ओन सब्सिडरी, लिस्टेड नॉट लिस्टेड एंड इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी की जो अल्टीमेट कंपनी है, दैट इज फाइलिंग CFS विद रजिस्टर एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी क्वेश्चन नंबर 18 एकदम ही एग्जैक्टली सेम। व्हाट आर द प्रोसीजर्स विच यू विल फॉलो इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन? ये ऑलरेडी आ चुका हुआ क्वेश्चन है। वर्किंग पेपर्स, पेरेंट कंपनी का आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट से इंक्वायरी, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट, रिव्यू द जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट अरेंजमेंट्स, अदर अरेंजमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। डन। So यहाँ पे guys there is a happy ending of this practice session. I hope you all enjoyed and now you are very much confident about this chapter. ठीक है, so यहाँ पे इस chapter की समाप्ति की घोषणा करते हैं। You all keep studying, keep revising, be safe, take care, bye bye.